السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنت ٹھیک ہو الحمد للہ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، آپ سب کی بھی خیریت توقع رکھتا ہوں کہ سبھی خیریت سے ہو گیا. منیب خان صاحب، آپ کا واٹس ایپ کے اوپر اگر ہے تو انشاءاللہ دیکھ کے میں رپلائی کرتا ہوں، انشاءاللہ کوشش ہے کہ سب کے رپلائی کروں، لیکن زیادہ وقت نہیں دے پا رہا ہوں بھائی. نہیں، ابھی تو سحر کے لیے 2 گھنٹے باقی ہے، انشاءاللہ سحر کے بعد بھارت کا اگلا پردھان منتری کون ہوگا؟ مجھے تو نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور بتا دوں کہ بھارت کا اگلا پردھان منتری نریندر مودی نہیں ہوگا. نریندر مودی اگلا پردھان منتری ہرگز نہیں ہوگا. بھائیو سب کو گڈ مارننگ، وعلیکم السلام. بہت اچھی نیوز ہے یہ تو کہ بھارت کا اگلا پردھان منتری نریندر مودی نہیں ہوگا. دیکھو، پردھان منتری بننے کے لیے وہ کوالٹیز چاہیے. میں ایک آپ سے سوال کرتا ہوں، یہاں پہ سب واٹس ایپ، فیس بک، جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے واسطے اس پہ ضرور جواب دے دیں کہ اگر کوئی شخص لائف چل رہا ہے، 70 سے اوپر لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، فیس بک پہ بھی کافی لوگ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ، نریندر مودی اپنے آپ کو فقیر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، جھولا اٹھاؤں گا اور چل دوں گا، تو وہ تو جھولا اٹھا کے جانے والے ہیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیے، اگر فقیر پردھان منتری ہے تو آپ میں سے کتنے ہوں گے جو وہ کیٹیگری میں گرتے ہیں، جو اپنے آپ کو فقیر کہتے ہیں یا غریب کہتے ہیں، یا انڈیا میں مہدی بھائی اگلا پردھان منتری سید شجاع بھائی، وہ شاید میں وہ کیٹیگری میں ہی نہیں گرتا، کیونکہ میں ایسا فقیر تو نہیں ہوں، ایسا فقیر تو نہیں ہوں. اکثر لوگ اپنے آپ کو فقیر بتا کے پرائم منسٹر کی کرسی پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن قبضہ کرنے کے بعد میں بھی، پرائم منسٹر بننے کے بعد میں بھی وہ اپنی فطرت سے باز نہیں آتے. تو پرائم منسٹر بننے کے بعد میں بولے پردھان سیوک ہوں، تو وہ سیوک ہی رہنا چاہتے ہیں ہمیشہ. جنتا کی سیوا کرنے کے لیے پردھان منتری بننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جنتا کی سیوا کرنا ہے، آپ کو واقعی جنتا کی سیوا کرنا ہے، تو ہندوستان میں ایک ایسا بھی اللہ کا بندہ گزرا، یا گزری کیوں کہوں،
जो हिंदुस्तान को बिलोंग नहीं करती थी, लेकिन हिंदुस्तान में आके उन्होंने जो काम किया गरीबों के लिए, अब उनकी उनकी अचीवमेंट को एक जगह रखो और नरेंद्र मोदी की अचीवमेंट को एक जगह रखो. मदर टेरेसा इंडिया में आई थी, पूरी अपनी पूरी जिंदगी कलकत्ता में निकाल दी. जितना उन्होंने गरीबों के लिए काम किया, जितना उन्होंने एजुकेशन के लिए काम किया, जितना उन्होंने हेल्थ केयर के लिए काम किया, जो कई मुल्क उनको ऑर्डिनरी सिटीजनशिप देके थे, नोबेल प्राइज विनर थी. तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, एक वो भी थी जो सब छोड़ छाड़ के नन होके लोगों की खिदमत में लगी हुई थी, तो आप उनकी अचीवमेंट और नरेंद्र मोदी को किसको ज्यादा अहमियत देंगे? किसने ज्यादा बेहतर काम किया? जो लोगों के बीच रह के लोगों की तकलीफों को समझ के उनके साथ उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन के अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर देना, क्या आप उनको बेहतर मानेंगे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि इलीगल गवर्नमेंट चला रहे हैं उनको आप बेहतर मानेंगे? भाई आप ये तो मानते हैं ना, मदर टेरेसा ने अपनी पूरी जिंदगी खिदमत खल्क में लगा दी, लोगों की खिदमत में लगा दी, गरीबों की भी खिदमत में लगा दी, ये मानते हैं या नहीं मानते हैं? बोले ना आप लोग ये मानते हैं? तो अब मदर टेरेसा को एक एग्जाम्पल रखो, मदर टेरेसा को एक एग्जाम्पल रखो और मुझे बताओ उस कैटेगरी में गिरने वाला कौन सा नेता है? मदर टेरेसा जैसी खिदमत खल्क करने वाला कौन सा नेता है यहां पे बताओ, लिखो ना, कोई है क्या? आप नरेंद्र मोदी की जिंदगी को मदर टेरेसा की जिंदगी का एक दिन के बराबर भी पूरा गिन सकते हो? अगर गिन सकते हो तो बताओ, अगर गिन सकते हो तो बताओ नरेंद्र मोदी को और मदर टेरेसा की जिंदगी का एक दिन, ये किसका पूरी जिंदगी जो 5 साल की गुजारी है एज अ प्रधान सेवक, जो 12 साल एज चीफ मिनिस्टर गुजारे हैं, तो ये 17 साल की जिंदगी और मदर टेरेसा की जिंदगी का एक दिन, तो कौन बेहतर, कौन बेहतर? क्या भाजपा वाले, ये कांग्रेस वाले या कोई भी दूसरी पार्टी वाले, चाहे वो आम आदमी वाले हो, चाहे वो सपा वाले हो, चाहे वो बसपा वाले हो, या चाहे वो सीपीआई वाले हो, या सीपीएम वाले हो, या तृणमूल वाले हो, या फिर टीडीपी वाले हो, या टीआरएस वाले हो, या मजलिस वाले हो, या कोई भी और ऐल फैल बकवास पार्टी वाले हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. अब मदर टेरेसा की एक मिसल लो, जो खिदमत करने की बात करते हैं लोग, उनका जो प्रमोशन था, रजत कुमार या रजत शर्मा जो भी हैं, जो तालुचे टकले हैं, वीविंग करा के बाल लगा लिए हैं, इंडिया टीवी वाले, उनकी जिंदगी और उनकी जिंदगी के ऊपर प्रमोशन जो हुआ था इंडिया टीवी पे और उसको सेंचुरी का सबसे बड़ा इंटरव्यू करार दिया गया था, तो उसमें नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं देश के लिए जीना चाहता हूं, देश के लोगों के लिए उनकी खिदमत करते हुए, उनकी सेवा करते हुए जीना चाहता हूं. तो भाई आप अगर सेवा करते हुए जीना चाहते हैं तो मदर टेरेसा आपके सामने एक मिसाल है, उनकी तरह सेवा कर सकती हैं क्या? यूं कहूं, खैर कई लोगों ने कहा ये मोदी का बंदा है, ये मोदी का आदमी है, ये मोदी का आदमी है करके, बहुत लोगों ने कहा था मुझे मोदी का आदमी है, सैयद शुजा मोदी का आदमी है करके बहुत लोगों ने कहा था. तो आदमी औरत का होता है, तो नरेंद्र मोदी वो कर सकती हैं. नरेंद्र मोदी अगर उनको खिदमत खल्क का इतना ही जज्बा है तो मदर टेरेसा की तरह वो जिंदगी गुजार सकती है? मदर टेरेसा की तरह नरेंद्र मोदी अपनी जिंदगी वैसे गुजार सकती हैं? क्योंकि अगर मैं उनका आदमी हूं तो वो मेरी औरत हुई, तो मैं अपनी औरत से पूछूं तो सही, क्या ऐसी जिंदगी गुजार सकते हैं सब छोड़ छाड़ के जिंदगी के एक पूरा वक्फा? भाई मायावती बोलने वालों, प्लीज मायावती की दौलत
का तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा, मायावती की दौलत का तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा, जितने अकाउंट, जितने प्रॉपर्टी, जितने साउथ अफ्रीका में माइंस, इसके बारे में तुम लोगों को जरा भी इल्म नहीं होगा। मायावती कोई दूध की धुली नहीं है, मायावती कोई दूध की धुली नहीं है। देवगौड़ा जी हार गए भाई, मोहम्मद रफी रफी साहब देवगौड़ा जी हार गए हैं, तो देवगौड़ा जी खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए इस बार, तो देवगौड़ा जी हार गए हैं। ये बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ा था मुझे, दूसरे चरण के चुनाव के दिन ही मैंने कहा था देवगौड़ा हार चुके हैं, तो अब उन वो आउट ऑफ इक्वेशन है। ममता बनर्जी लाठियां खाई हैं, वो ईगो की वजह से, अपनी अना की वजह से आज चीफ मिनिस्टर बनी हुई हैं। उनकी फितरत में जिद है, वो जिद में कोई चीज़ के ऊपर भी आ गई तो वो कुछ भी कर जाएंगी, उसके लिए मरने मिटने के लिए तैयार हो जाती हैं। इसलिए ममता बनर्जी आज चीफ मिनिस्टर बनी हुई हैं, क्योंकि वो लोगों के सामने चिल्ला के बोलना जानती हैं। मायावती सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना जानती हैं, बहुत सारा पैसा कमाया है वो। आप लोग इस बात से इनकार नहीं कर सकते जो मायावती के ज़िंदगी में गुजारे। अखिलेश यादव अगर एक दिन मदर टेरेसा की तरह ज़िंदगी गुजार दिया तो मैं मान लूँगा भाई, मदर टेरेसा की तरह ज़िंदगी गुजार दें तो मान लूँगा। आसद भाई की बात करने वाले, 5.5 एकड़ का उन्होंने घर बनाया है, तो आसद भाई बहुत दूर दूर तक भी ये मरहले में नहीं पड़ते हैं। हैदराबाद पे जाके जो है आसद भाई की प्रॉपर्टी कौन सी है, वो तो जहाँ पे उंगली रखे बड़ा शादी खाना उनके नाम पे है, दूसरों की तरह चला रहे हैं वो। तो शरद पवार जब तक वो BCCI के चेयरमैन थे करोड़ों रुपया अंदा किया है, जाके जो है सो हीरा बाजारियों से पूछो, हीरा बाजार में वो हफ्ता लेने के आज से जाते थे एक दौर में। तो मोदी प्रेग्नेंट विद करप्शन, तो ये सेवा भाव, जितना जो लोग पॉलिटिशियंस हैं जितना सेवा भाव बताते हैं ना, इनके सेवा भाव में वो भाव छुपा होता है। आपका दाम लगाते हैं, सेवा का दाम लगाते हैं, आपके खून पसीने की कमाई लूट लूट के खाते हैं, और खाते हैं बहुत खाते हैं, और ऐसा खाते हैं कि वो प्लेट भी खा जाए, सल्फेट भी खा जाए। और जितने मोदी भक्त कर रहे हैं, सुषमा स्वराज भी नौटंगी बाज है भाई, वो आज उनकी हालत इतनी ख़राब है कि वो ठहर के दो घड़ी चल नहीं पा रही हैं अपने बूते पे, वो देश चलाने की उनकी हैसियत नहीं है, इसीलिए वो चुनाव भी नहीं लड़ी हैं। रतन टाटा शुड बी आवर प्राइम मिनिस्टर, रतन टाटा इज रिच गाय एंड ही थिंक्स अबाउट टाटा इंडस्ट्री ओनली, तो टाटा एंड सन होल्डिंग के बारे में ही सोचते हैं, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचते। रतन टाटा 3 से 4 ट्रस्ट चलाते हैं, लेकिन ट्रस्ट का पैसा जितना सर्कुलेशन में आता है और जितना पॉलिटिशियन की जेब में जाता है वो रतन टाटा बहुत खूब जानते हैं। और जो ज़िंदगी का वो मरहला पार कर चुके हैं, जिसको पता है कि अब कभी भी मौत आ सकती है, उनसे ज़रा जो है सो उनके दिल पे हाथ रख के बैठ के उनके साथ उनके दिल पे हाथ रख के बोलो तुमने कितना अंदर किया है, वो शायद एक लम्हा आएगा उनकी ज़िंदगी का, वो बोल भी देंगे। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने मरने से पहले किसी को बोल के मराया कि मैंने बहुत माल अपने अंदर को छुपा के रखा था, आज इसीलिए मेरे को तकलीफ से मौत आ रही है करके, और जिसने बताया वो बोलने के लिए शर्म खा रहा था। KCR गुड़म्बाबाद है भाई, KCR गुड़म्बा है, गुड़म्बा बेचने के वास्ते या तेलंगाना के लोगों को गुड़म्बा पीने की आदत में लगाने के वास्ते वो क्या बोलते हैं सेंधी का कारोबार, डुड्डी डोगी क्या बोलते हैं उसको जो है अभी तक जिंदा रखा हुआ है, तो ये वैसों में से है। कन्हैया कैन बी प्राइम मिनिस्टर, देखो कन्हैया ना 13-point रोस्टर के ऊपर कभी नहीं बोलेगा। अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड, देखो जिसको वाकई खिदमत का जज्बा होता है ना, वो पद का लालची नहीं होता है। जिसको खिदमत का जज्बा होता है वो पद का लालची नहीं होता है, वो खुद बखुद निकलता है लोगों की खिदमत करने के लिए, एक मौका नहीं छोड़ता,
वो ये नहीं कि आओ मेरे को पहचानो, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं फलां कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसा कर रहा हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने उसको साफ कर दिया, मैंने उसको पिछवा दिया, मैंने ये ला लिया, मैंने वो ला लिया। ये सब बेकार की बातें हैं। जो अपना ढिंढोरा खुद पीटता है वो किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, वो किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। या फिर खुद अपनी पार्टी का ढिंढोरा पीट रहा है, वो पार्टीवादी में ही जिंदगी जी रहा है। और जो लोग अपने आप को साबित कदम कहते हैं, ईमानदार कहते हैं, तुम्हें भी अपने आप के अंदर होगा यार, कहीं ना कहीं याद होगा तुमने कितने ईमान का काम किया है, कितना बेईमानी का काम किया है। देखो मुल्क का चलाने वाला अगर मुल्क के लोगों के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो वो मुल्क हरगिज नहीं चला सकता। वो मुल्क नहीं चला रहा, वो बैठ के बस मुखौटा बना हुआ है और लोगों को कोई दूसरा ही चला रहा है, या लोग खुद एक दिशा में चले जा रहे हैं, खौफ की दिशा में चले जा रहे हैं। तो अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? कोई एस्ट्रोलॉजर बता रहे थे कि ये साल से ये साल के पैदा होने वाले, ये साल से यानी 1947 से 1959 तक के बीच में पैदा होने वाले ही प्रधानमंत्री या प्रीमियर्स बनेंगे। क्यों भाई, कहीं लिखा हुआ है क्या? ये एक अजीब सा प्रोपोगंडा बना के रखा हुआ है, लोगों को वरगलाने में, लोगों को बेवकूफ़ बनाने में, लोगों की फितरत को एक दूसरे ही तहमुल में जाके फेंकने में एक अजीब सा मज़ा आता है लोगों, एक अजीब सा मज़ा आता है। अब मैं सबसे पूछता हूँ, तुम अगर किसी भी धर्म के हो, चलो हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदुओं में इतने धर्म जाति फलाना 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 है, आप कभी इसको पूछते हो, कभी उसको पूछते हो, कभी उसको पूछते हो, आप लोगों में अगर एकता है तो एकता से, और वाकई भगवान है नहीं है, मानते हो नहीं मानते हो, दैट्स ऑल सेकेंडरी। एक मिनट के लिए सोचो कि तुम जिसको देश चलाने के लिए चुन रहे हो, क्या तुम एक्चुअली उसको चुन रहे हो? Are you choosing Prime Minister Modi? Or he's already decided that he will be the Prime Minister? बहुत strange है ये कि ना आप Prime Minister चुन रहे हो, ना आप अपना प्रधानमंत्री चुन रहे हो, ना आप कोई अपना मंत्री चुन रहे हो, ये सब already पार्टी decide करके आप तक पहुंचा देती है और आप लोग उसकी धुन में गाना शुरू करते हो। एक कौर साहब मुझे मेलबर्न से कॉल की थी, उन्होंने कहा था कि वो सुन रहे होंगे, तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं, बहुत अच्छा सवाल है। उनके भाई मोदी भक्त हैं, जो कि करोड़ों रुपया अपने खुद के बिजनेस में गवा बैठे हैं, लॉस में जा रहे हैं, फिर भी मोदी मोदी कर रहे हैं। बिजनेस का इम्पैक्ट ऊपर जाना या नीचे जाना या तो आपके फैसले से हो सकता है या तो पॉलिसी चेंज की वजह से हो सकता है। तो जितनी पॉलिसीज पिछले 5 सालों में लाई गई है उसको इवैल्यूएट किया है किसी ने? बिजनेस रिलेटेड जितनी पॉलिसीज आई हैं उसको किसी ने इवैल्यूएट किया है? कौन सी पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट हुआ, कौन सी पॉलिसी कितनी हद तक इम्प्लीमेंटेशन पे गई है, कौन सी पॉलिसी का क्या बेनिफिट निकल के आया? बेनिफिट संसद में ठहर के ये पॉलिसी चेंज आएगी, इसका ये बेनिफिट होगा, वो ग्राउंड पे पहुंचने के बाद में उसका ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशन क्या होता है, इसके बारे में किसी ने भी विश्लेषण किया है पूरी तरह से? पिछले 5 साल में इतनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की गई या अनाउंस की गई तो इससे ये बेनिफिट आया है, एक्चुअल रियलिटी डेटा आपको पता है? 1999 में हम लोग सेंसेक्स ऑफ इंडिया के लिए निकले थे, 1999 की बात कर रहा हूं मैं, सेंसेक्स ऑफ इंडिया यानी मर्दूम शुमारी,
के लिए निकले थे। कौन से साल के पता है आपको? 1999 में हम 2002 का सेंसेक्स कर रहे थे। जो पेपर छप के आया था हमारे पास वो 2002 का था। तो अब आप बताओ, मेरे साथ करने वालों में बहुत सारे हैं, अगर वो वीडियो देखें तो उनको उनको रिमाइंडर मिलेगा। सेंसेक्स के लिए निकले हुए थे हम लोग 1999 में और पेपर था 2002 का। दो साल पहले ही इसकी मर्दुमशुमारी हो रही है, जो पैदा नहीं हुआ उसके नंबर जाते हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड में। तो ये तो भद्दा मजाक होता है, ये तो भद्दा मजाक होता है। और सिस्टम चलाने वाले जो बीच में बैठे हुए हैं, देखो सरकार आएगी जाएगी, लेकिन जो अधिकारी, जो अफसर, जो ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा दीमक की तरह खोल खोल के पूरे देश को तबाह करके रखा हुआ है, पूरे देश को तबाह करके रखा हुआ है। ये आइडिया देते हैं, ये अंग्रेज की छटी हुई औलाद, जितने भी बैठ के ये गलीज और भ्रष्टाचार का आइडिया देते हैं, ये तमाम के तमाम बस अपना जो पैसा इन्होंने दिया था रिश्वत के तौर पे लगाने के लिए या नौकरी पाने के लिए, उसको रिकवर करने के बाद और कुछ फायदा निकाल लेंगे इसकी लालच में पूरी उम्र अपनी निकाल देते हैं। 30 साल का, 25 साल का, 37 साल का करियर लेते हैं और इतना पैसा बनाते हैं, लेकिन इनकी औलादें कभी खुश नहीं रहती। तो प्रधानमंत्री होना कौन चाहिए? वो जो इनके ऊपर कमांड करके इनकी डंडी खींच के इनसे सही काम करवाए, या वो जो बोले, आके बोले ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और दबा के भ्रष्टाचार हो और पब्लिक के सामने कभी वो आने ना दूंगा, पब्लिक के सामने ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन पीछे अंदर जाने के बाद में 9 बजे से 4 बजे तक मीटिंग हो रही बोल के बड़ा खुशी से सुनाते हैं वो पुतिन के साथ। कितने कितने करोड़ की डील हुई, कितना किसको मिला है, कितना किसको मिला है, इसके बारे में आपने देखा? ब्रिक्स के बारे में जरा स्टडी करके देखिए, ब्रिक्स के साथ कितना बिजनेस हो रहा है, कौन सी कंपनीज, कौन सी कॉर्पोरेट हाउसेस बिजनेस कर रही है और कितना सपोर्ट गवर्नमेंट का मिल रहा है इनको बैकएंड के साथ। कभी देखा है, कभी सोचा है, कभी किसी ने इसके बारे में खुलासे से डिटेल इंफॉर्मेशन शेयर की है? कुछ भी नहीं होता है आपके सामने, यू हैव नो आइडिया, नो नॉलेज। प्रधानमंत्री मोदी के लिए हर जगह से, यहां से वहां तक जो जिस तरह का प्रचार किया गया है, अंबो करोड़ों रुपया खर्चा किया गया है, अंबो करोड़ों रुपया, 5-6 हजार करोड़ पिछले 2 साल में सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे चला गया। 5-6 हजार करोड़ में कितने लोगों की जिंदगी बन सकती थी, आप लोगों को अंदाजा है? ये एक अजीब सा मजाक बना के रखा हुआ है, अजीब सा मजाक बना के रखा हुआ है। और हम ये पूछते हैं सवाल कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? Who will be the next Prime Minister of India? I really don't understand, why do we even talk about it? हम ये सवाल कर भी कैसे सकते हैं, जबकि जो मौजूदा प्रधानमंत्री है वो इलीगल तरीके से हुकूमत कर रहा है, हम सोच भी कैसे सकते हैं? तो अगला प्रधानमंत्री जो भी होगा तो उसको कंपेयर करके देखो मदर टेरेसा की जिंदगी का एक दिन और इनके पिछले 5 साल का एक दिन, 5 साल की पूरी 5 साल निकालो, 5 साल में नरेंद्र मोदी ने क्या क्या किया लोगों के बीच में रह के, इसको कंपेयर करो मदर टेरेसा की जिंदगी का एक दिन। डॉक्यूमेंट्रीज भरी पड़ी हैं तुम्हारे पास, कंपेयर करके देखो। अगर कोई कंपेयर करके इसके ऊपर वीडियो डाल सकता है ना तो डालो, शायद तुम्हें हिट्स भी मिल जाए। जो मोनेटाइज करके हिट्स डालते हैं वो डालो, शायद तुम्हें हिट मिल जाए। और सवाल ये करो, और मुसलमानों से पूछता हूँ भाई, मुसलमान रमजान का महीना है, भूखे रहने को रोज़ा नहीं कहते हैं? या राशन कार्ड के लिए तुम लोग, राशन कार्ड में नाम लिखा हुआ है मुसलमान, तो इसीलिए तुम मुसलमान हो? तुम्हें वाकई अल्लाह का खौफ है, या फिर अभी भी तबखों में
कोई बरेलवी, कोई देवबंदी, कोई अहले हदीस, कोई अहले फिका, इसमें इसमें ही बटे रहना है, या फिर लाइलमी की वजह से कोई भी कुछ भी बोले तो उसके ऊपर बेहिस भरोसा करके जिंदगी गुजारना है? क्या है, क्या है? अगर तुम वाकई मुसलमान हो तो पहले सोचो, पहले सोचो मुस्तहक हो या नहीं हो। और अगर तुम बटना चाहते हो तो तुम्हें एक कौन करेगा? बात एकता की होती और खुद ही बटे हुए हो तो तुम्हें एक कौन करेगा? सोचो, ये बैठ के सोचो, अगला प्रधानमंत्री कौन जो भी हो उसकी जिंदगी क्या, एक एग्जाम्पल लो मदर टेरेसा का, या मदर टेरेसा से अलावा नेल्सन मंडेला है, या फिर कोई और भी है जो अपनी पूरी उम्र खिदमत की, खल्क के लिए, लोगों के बीच में रह के लोगों की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारी है। वैसे को एक एग्जाम्पल सेट करके देखो, क्या नरेंद्र मोदी का कहना तुमसे झूठ नहीं है? ये कहते हैं मैं देश के लिए जीना चाहता हूँ, देश के लोगों के लिए जीना चाहता हूँ। हाँ, तो ये कहने में और इनकी करनी में कितना बड़ा फर्क है, इसके ऊपर ज़रा तवज्जो दे के देखो, शायद तुम्हारी आंखें खुले और भक्ति से बाहर निकलोगे। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट करके